22 जनवरी को देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। इस दिन अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने 7,000 से ज्यादा व्यक्तियों को निमंत्रण दिया है। रामलला की मूर्ति को बुधवार रात राम मंदिर के गर्भगृह में लाया गया था। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का कहना है कि आज यानी 18 जनवरी को गर्भगृह में मूर्ति स्थापित किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को फिरोजाबाद का 10,000 प्रसिद्ध कांच का कड़ा सौंपा, जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान पर वीएचपी नेता विजय शंकर तिवारी ने कहा कि कहा जाता है कि धर्म की रक्षा करनी चाहिए और धर्म ही उनकी रक्षा करेगा। जयराम रमेश को धर्म का मतलब नहीं पता, अगर वे इसे समझते हैं तो ऐसा बयान नहीं देते। मैं जयराम रमेश को चुनौती देता हूं कि वह मुझे दुनिया का कम से कम एक ऐसा संविधान दिखाएं जिसमें धर्म के 10 सिद्धांत शामिल न हों। सबसे पहले उन्हें धर्म की परिभाषा सीखनी चाहिए और फिर कुछ बोले। राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले हेरिटेज हेड वीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से वस्त्र दिए जाने से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। राम जी के जीवन काल के अलग अलग स्टैचू भी अयोध्या में सजाए गए हैं, जो लोगों को बेहद आकर्षित कर रहे हैं और अयोध्या मंदिर में ये एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।